हाय गाइस, मैं राजू और आप देख रहे हो टेक्निकल एज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सऊदी अरबिया पार्सल भेजने के लिए या सऊदी से इंडिया पार्सल भेजने के लिए कौन से कुरियर सर्विस बेस्ट है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं। वीडियो को ज़्यादा लेट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं एंड जानते हैं कि हम सऊदी अरब कौन से कुरियर सर्विस से पार्सल भेज सकते हैं इजीली और मतलब अच्छे तरीके से, ठीक है। और सऊदी से इंडिया हम कैसे पार्सल भेज सकते हैं इजीली और अच्छे तरीके से, ताकि हमारा जो पार्सल है दोस्तों वो डैमेज भी ना हो और अच्छे से पार्सल पहुंच भी जाए, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले जो कुरियर सर्विस आता है दोस्तों वो आता है DHL। DHL ऑल ओवर वर्ल्ड में स्प्रेड है, ठीक है। तो DHL को आप इजीली यूज कर सकते हो सऊदी से पार्सल भेजने के लिए, अदरवाइज इंडिया से सऊदी पार्सल भेजने के लिए। नंबर टू में जो कुरियर सर्विस आता है दोस्तों सऊदी अरब में, वो आता है FedEx। हाँ दोस्तों, FedEx इंडिया में भी वो कुरियर सर्विस अवेलेबल है दोस्तों। तो FedEx से भी आप इजीली पार्सल भेज सकते हो सऊदी के लिए, अदरवाइज सऊदी से इंडिया के लिए, ठीक है। जो तीन नंबर में आता है वो आता है दोस्तों एरामेक्स। एरामेक्स बहुत ही अच्छा कुरियर सर्विस है और चीप कुरियर सर्विस है सऊदी अरब के लिए, और इंडिया से सऊदी के लिए या सऊदी से इंडिया के लिए, ठीक है। बहुत ही चीप है, अगर आप DHL और FedEx से कंपेयर करो तो उसके कुरियर सर्विस थोड़ा कम है एरामेक्स का, ठीक है। तो एरामेक्स आई थिंक बहुत अच्छा कुरियर सर्विस रहेगा सऊदी अरब भेजने के लिए। देखिए, सऊदी अरब में बहुत सारे जगह है, जैसे कि कतर हो गया, उसके बाद सऊदी हो गया, उसके बाद और बहुत सारे आते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तीन कुरियर सर्विस जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो कुरियर सर्विस आता है दोस्तों वो आता है ब्लू डार्ट। हाँ दोस्तों, ब्लू डार्ट भी एक बहुत अच्छा कुरियर सर्विस है इंटरनेशनल कुरियर भेजने के लिए, और सऊदी के लिए ये बहुत अच्छा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो कुरियर और लास्ट जो है वो है TNT कुरियर सर्विस। हाँ दोस्तों, TNT ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस है, तो इससे भी अब आप यूज कर सकते हो। देखिए, ये टॉप 5 कुरियर सर्विस में से मैं आपको रेकमेंड करूंगा DHL और एरामेक्स। हाँ दोस्तों, DHL और एरामेक्स बहुत अच्छा काम करता है सऊदी के लिए, ठीक है। सऊदी हो गया, कतर हो गया, इन सब के लिए बहुत अच्छा काम करता है, और इधर बहरीन हो गया, ऐसे बहुत सारे वहाँ पर हैं, तो सारे के लिए आप DHL और एरामेक्स को यूज कर सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप एक अच्छा कुरियर सर्विस ढूंढ रहे थे सऊदी अरब अदरवाइज कतर के लिए, तो ये बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन होगा आपके लिए, ठीक है, DHL और एरामेक्स। तो दोस्तों अगर आपको DHL और एरामेक्स का कुरियर चार्जेस जानना है तो मेरे चैनल में विजिट कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं मैंने एरामेक्स के लिए, DHL के लिए सारे कुरियर चार्जेस बताए गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप देख लीजिए वीडियो को, आपको चार्जेस भी पता चल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज मैं एवरीडे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी वीडियोस लेके आते रहता हूँ। सो फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। हमेशा की तरह आई रेस्पेक्ट योर वैल्यूएबल टाइम।